जो सियासी पेशगोई करने में अपना जवाब नहीं रखते हैं। शेख रशीद साहब मेरे साथ मौजूद है। शेख साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। शेख साहब आज पहला सवाल तो यही बनता है कि जेल का वक्त आपका कैसा गुजरा, मुश्किल था या आसान था, आपका जो तजुर्बा है या एक्सपीरियंस है जरा नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। ससुराल इस दफा को अच्छा कोई आहो भगत नहीं हुई ससुराल में। 16 दिन जो है वैसे केस तो सिर्फ एक दिन मुश्किल था जिस दिन उन्होंने आंखें शाखें बांधी और 3:15 बजे से लेके 6 बजे तक, उसके बाद जेल नॉर्मल थी। सिर्फ एक दिन वो ले गए थाना इंडस्ट्रियल एरिया से और किस जगह लेके गए मुझे नहीं पता, कौन लोग थे ये भी नहीं पता। कोई बद अखलाकी नहीं की, कोई बदजुबानी नहीं की, लेकिन जो कुछ उन्होंने सवाल पूछे उनसे मेरा तलक नहीं था। फ़ोन उनके पास थे मेरे, उन्होंने पासवर्ड मांगा मैंने दे दिया जी। बाकी ठीक। जेल में मैं चक्की में था, मैं चक्की में खुश रहता हूँ, मुझे बी क्लास पसंद ही नहीं है, तन्हाई मुझे पसंद है, सिगार पीना। और चक्की में 16 दिन में सोया रहा और जी। जब ससुराल वालों ने देखा मैंने कि कोई लिफ्ट नहीं है तो मैंने कहा चलते हैं जमानत कराई। और तो शेख साहब आपने फिर सिगार वहाँ पे पिया फिर जेल में आपने सिगार? हाँ जी, हर सुबह से शाम तक सिगार, तो उनको बड़ी तकलीफ थी इसलिए मैंने ज्यादा पिए। अच्छा अच्छा शेख साहब, आप जेल को ससुराल कहते हैं और खान साहब भी जेल भरो तहरीक चला चुके हैं, तो खान साहब खुद गिरफ्तारी देने